accommodation in Belgium. The Belgian leaders took a different path. तो बेल्जियम के जो नेता थे उन्होंने अलग रास्ता चुना. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. उन्होंने जो उनके भेदभाव थे, जो उनके फ़र्क थे, रीजनल क्षेत्रीय फ़र्क थे, उनको स्वीकार किया और साहित्यिक डाइवर्सिटीज थी वो उनको भी स्वीकार किया. बिटवीन 1972-1993 दे डिमांडेड दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times. उन्होंने अपने संविधान को 4 बार संशोधित किया. सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड अनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, ताकि हर भिन्न भिन्न जो लोग थे वो आपस में एक साथ एक ही देश में रहने के काबिल हो सकें. द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री. जो अमेंडमेंट्स जहाँ अरेंजमेंट उन्होंने किए थे वो किसी भी दूसरे देश से बिल्कुल अलग थे एंड इज़ वेरी इनोवेटिव, यानी उससे सभी को बल मिला. हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल. तो बेल्जियम मॉडल के कुछ तथ्य यहाँ पर दिए जा रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो केंद्रीय शासन होगा उसमें डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टरों की संख्या बराबर होगी. सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. तो अलग अलग भाषा के ग्रुप में से मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स को राय देने के लिए कहा जाएगा. दस नो दस द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्नड इन टू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट, यानी कि ताकि दोनों के दरमियान कोई मतभेद ना हो सके. इट सून टर्नड इन टू नहीं मोमेंट. तो दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली, यानी कि ताकि कोई भी एक ग्रुप जो है वो अपना अपने आप अपनी मर्जी का डिसीजन ना ले सके जो दूसरों को अस्वीकार्य हो. तो मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बिन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ टू रीजन्स ऑफ द कंट्री. बहुत सारी जो पावर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वो रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दी गई हैं ऑफ टू रीजन्स ऑफ द कंट्री. द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि वैसे जो ऐसे देश होते हैं जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ ज़्यादा पावर्स थी, वैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ अलग से ज़्यादा पावर्स थी. ब्रसेल्स हैज़ द सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रजेंटेशन. जो उनकी राजधानी है ब्राज़ील की, तो वहाँ पर जो ब्रसेल की जो गवर्नमेंट थी उसको उसमें दोनों कम्युनिटीज़ का इक्वल बराबर हाथ रखा गया, बराबर रिप्रेजेंटेशन रखी गई. द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो दोनों ने एक आदान प्रदान के लिए, जैसे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने इक्वल ब्रसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन उनकी स्वीकार कर ली, जैसे दूसरे डच लोग थे उन्होंने उनकी जर्मन स्पीकिंग की रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में स्वीकार कर ली. यानी देना तुमको वहाँ पर दे दोगे हम वहाँ पर ले लेंगे ऐसे. तो द फोटोग्राफ हेयर इज़ ऑफ द स्ट्रीट एड्रेस इन बेल्जियम. You will notice that the place names and directions in two languages, French and Dutch. यहाँ पर जो दो हैं ये मतलब ये इंग्लिश में है और दोनों भाषाओं में दो एक ही जगह को दो नाम लिखे गए हैं. Apart from the central and the state government, there is a third kind of government. Central और state government की जगह एक तीसरी तरह की सरकार है. This कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाई द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी.
यानी कि वो कम्युनिटी गवर्नमेंट है और एक ही लैंग्वेज वाले जो उसमें वोट डाल सकते हैं, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, मतलब इसमें कोई राय नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। ये जो सरकार है अपना अलग से काम करती है, इसके पास कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ को साधने का उनको कार्य दिया गया है। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आपको बेल्जियन मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड, जटिल लगेगा। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, वहाँ के लोगों के लिए भी ये जटिल लगता है, बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार, परंतु ये अब तक पूरी अच्छी तरह से काम कर रहा है। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़। तो इससे क्या हुआ, दोनों जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर रहने, उनके मतभेद बिल्कुल ख़त्म हो गए। एंड ए पॉसिबल डिवीज़न ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, यानी कि देश का विभाजन जो था भाषा के आधार पर वो रुक गया। देन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन। तो ऐसे ही यूरोप के बहुत सारे देश एक साथ आ गए, यूरोपियन यूनियन बना ली। ब्रुसेल्स वॉज चोजन एज इट्स हेडक्वार्टर, तो ब्रुसेल्स को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर चुना गया। सो यू आर सेइंग दैट शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अस मोर पावरफुल, साउंड्स ऑड, लेट मी थिंक। तो जैसा आप कहते हैं कि पावर शेयरिंग से सब लोग स्ट्रांग होते हैं, तो मैं इसके बारे में सोचना चाहता हूँ। तो ये आपके लिए काम है, रीड एनी न्यूज़पेपर फॉर वन वीक एंड मेक क्लिपिंग्स ऑफ न्यूज़ रिलेटेड टू ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट और वार्स। ए ग्रुप ऑफ द 5 स्टूडेंट्स कुड पूल देयर क्लिपिंग्स टुगेदर एंड डू द फॉलोइंग, यानी कि एक न्यूज़पेपर को आप 7-8 दिन अपने पढ़ना है, वहाँ पर किसी जगह में, देश में, किसी भी देश में आपस में लोगों का कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है या लड़ाई चल रही है, उसके बारे में जो न्यूज़ की क्लिपिंग्स आती हैं उनको आपने इकट्ठा रखना है। तो 5 स्टूडेंट्स हमने ग्रुप में लेने हैं। क्लासीफाई दीज कन्फ्लिक्ट्स बाई देयर लोकेशन, योर स्टेट, इंडिया, आउटसाइड इंडिया, बाहर है या अंदर है, कहाँ, उसकी लोकेशन के हिसाब से उनको अलग अलग वर्गीकरण कर लो। फाइंड आउट द काज ऑफ ईच दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, वहाँ पर जो उन लोगों के मतभेद हैं उसको आपने, उसको उनका कारण देखना है। हाउ मैनी ऑफ दीज आर रिलेटेड टू पावर शेयरिंग, तो उसमें कितने जो है वो पावर शेयरिंग के झगड़े के तौर पर कॉन्फ्लिक्ट सामने आए हैं। विच ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स कुड बी रिजॉल्व्ड बाई वर्किंग आउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट करने से, वो कौन से ऐसे इशू हैं जो जिनको हम समाप्त कर सकते हैं।